हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी का एक अच्छा सा टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूटन का गति नियम से आप क्या समझते हैं, न्यूटन के कितने गति नियम थे। तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम से पहले हम लोग न्यूटन के बारे में जान लेते हैं, न्यूटन है क्या। तो न्यूटन सर्वप्रथम एक महान वैज्ञानिक है जो कि वह गति के नियम का खोज किए थे, और यह जो है गति का नियम जो है यह सर्वप्रथम अपने ही पुस्तक प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में ही 1687 ईस्वी में लिखे थे, और इन्हीं को मतलब कि फिजिक्स या भौतिकी का जो है जनक माना जाता है। अगर कोई पूछे कि भौतिकी का जनक किन्हें माना जाता है तो न्यूटन को माना जाता है। और आप हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है। तो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है बोला कि यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगी, या तो अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, या तो कोई वस्तु अगर एक सिद्ध में समान चाल से चल रही तो वह समान चाल से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो न्यूटन का गति नियम कहने का मतलब कि जैसे कि अगर ये जो मार्कर या स्थिर है तो यह स्थिर रहेगा जब तक कि हम इस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करेगा, या तो बाहरी बल नहीं लगाएंगे जब तक कि यह स्थिर रहेगा। अगर कोई भी वस्तु अगर गति में तो वह एक समान गति में ही गति करते रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उस पर मतलब कि कोई बल नहीं कार्य करेगा, जब तक कि वह और अधिक गति में नहीं हो सकता है। तो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम यही कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा, या गति में है तो गति में रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना करे, है ना। तो मतलब कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो इस नियम को जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे जड़त्व का नियम या तो गैलीलियो का नियम के नाम से भी जाना जाता है। जड़त्व का नियम कहने का मतलब कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही मतलब बोला, देखिए अगर कोई वस्तु पर बाह्य बल कार्य ना करे तो वह वस्तु विराम में या गति में, जो विराम में है या तो गति में है, तो वह जो प्रवृत्ति होती है वह जड़त्व कहलाती है। जैसे कि अगर कोई वस्तु और उस पर हम बल नहीं लगाएं तो वह वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहेगी, और समान मतलब कि अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और वस्तु की इसी प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। इसी परिवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। फिर से ध्यान से समझेंगे कि अगर कोई वस्तु स्थिर तो स्थिर ही रहेगी, अगर यह वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक कि हम इस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करेंगे। तो अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी। तो इस वस्तु का इसी प्रवृत्ति को ही हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व का जो एग्जांपल है, जैसे कि आप रियल लाइफ में भी आप लोग देखे होंगे कि अगर आप गाड़ी पर चढ़े हुए हैं तो अगर गाड़ी जो है बैठे हुए हैं तो एकाएक जो मतलब कि आगे बढ़ाता है तो हम लोग पीछे की और झुक जाते हैं, मतलब कि जो हमारा जड़त्व है वह स्थिर बना चुका है, स्थिर है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वह गति में नहीं। इसी के कारण मतलब कि हम लोग क्या होते हैं कि पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि वह जो बल है वह आगे की ओर लग रहा है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग स्थिर थे तो एकाएक बल लगाया तो हमारा जो अवस्था में वह परिवर्तन हो गया। और फिर देखते होंगे कि और भी गाड़ी पर चढ़े हुए हैं तो अगर वह गाड़ी जो है गति में है तो जब एकाएक ब्रेक लिया जाता है तो हम लोग आगे की ओर चल जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि हम लोग जड़त्व बनाए रहते हैं कि गति में है तो गति में ही रहेंगे, हम लोग मतलब स्थिर नहीं हो सकते हैं। तो जब बाहरी बल कार्य करता है मतलब रोकने के लिए कोई बल लगता है तो हम लोग वह गति से रुक जाते हैं, और गति से रुकने के कारण मतलब हम लोग अनबैलेंस हो जाते हैं, इसी के कारण हम लोग आगे चल जाते हैं। तो जड़त्व का यह एग्जाम्पल, अगर जड़त्व का एग्जाम्पल पूछे तो क्या कहेंगे कि अगर हम लोग कोई गाड़ी पे हैं और गाड़ी पे बैठे हैं और गाड़ी अगर एकाएक आगे बढ़ती तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह जड़त्व का ही उदाहरण है। अगर गाड़ी एकाएक गाड़ी गति में है और गाड़ी जब एकाएक ब्रेक करती है तो हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं, तो वह भी जड़त्व का उदाहरण है। तो जड़त्व, आप बताइए कि बार बार हम बोल रहे हैं कि बल मतलब बाहरी बल कार्य करता है, तो यह बल है क्या, यह बल है क्या, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बल जो है वह एक बाह्य कारक है। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी पिंड में या तो किसी भी पिंड की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसी को हम
बल कहते हैं। जैसे कि भी बोल रहे हैं कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, अगर विराम में है तो विराम में रहेगी। तो अगर विराम में है तो जब तक इस पर कोई बाहरी बल या तो बल नहीं लगाएंगे तो जब तक कि यह गति में नहीं होगा। तो मतलब कि जब हम इसकी अवस्था में चेंज कर रहे हैं तो जब भी कोई किसी वस्तु की अवस्था में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कि उस पर कोई बल कार्य कर रहा है। तो कहा है कि जब कोई बल अगर कोई भी वस्तु है वह स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल कार्य ना करे। अगर कोई वस्तु अगर गति में है तो इस वस्तु या वस्तु जो है गति में है तो इसको रोकना है तो इसके लिए भी हमको बल लगाने की जरूरत होती है। तो बल कहने का मतलब कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी पिंड की अवस्था में परिवर्तन करती है या करने की चेष्टा करती है, उसी को हम बल कहते हैं। और बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। और न्यूटन क्यों रखा गया, क्योंकि मतलब ये जो है गति का खोज किया, गति का खोज से हम लोग पता लगाए कि बल होता है। तो अगर पूछेगा कि बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से निकाला जाता है, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही हम लोग बल की परिभाषा निकाले हैं कि बल क्या है। और न्यूटन का जो ऐसा ही बल का जो ऐसा ही मात्रक है न्यूटन है, लेकिन बल का जो सीजीएस पद्धति में अगर मात्रक पूछा जाए वह डाइन है, जो कि 1 N/10⁵ डाइन होता है। तो आशा करते हैं कि बल और ये जो न्यूटन का प्रथम गति नियम होगा वो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।